अस्सलामु अलैकुम अहबाब मियाँ शफकत महबूब आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं सिट्रस पीके विद मियाँ शफकत महबूब। अहबाब, ये सामने नज़र आने वाला लेमन बुनियादी तौर पर लाइम फैमिली से है, एसिडिक लाइम, और इसको कैफर लाइम, कुछ लोग कीफर भी कहते हैं लेकिन कैफर लाइम के नाम से जाना जाता है। ये थाईलैंड की वैरायटी है, इस तरह की इसकी शेप होती है। ये लेमन इंतहाई एक्सपेंसिव है सिट्रस फ्रूट में, तकरीबन 6 से 7 लेमन जो हैं वो 28 जो दिरहम हैं दुबई में सेल होते हैं और 18 से 20 डॉलर का जो पाउंड है सेल होता है इंटरनेशनल मार्केट में। इसके जो ड्राई लीव्स हैं, ये पत्ते जो खुश्क होते हैं, ये तकरीबन 600 डॉलर पर केजी सेल होते हैं, और जो फ्रेश लीव्स हैं उनकी भी अलग से प्राइस है। ये लेमन अपने अंदर, अपने पत्तों के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेगनेंस रखता है। इसके फ्रूट की जो स्किन है यानी इसका जो छिलका है, ये कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। इसका जूस जो आपका नेचुरल फ्लेवर इसका है जूस, वो लेमन के जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक रोमाज होते हैं उनके मुतबादल है, इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। जिस जगह पे आप सिंथेटिक अरोमा यूज़ करते हैं लेमन का, उस जगह पे इसका एक जो ड्रॉप है वो डालें, वही आपको टेस्ट फील होगा और पूरी डिश जो है उसमें से खुशबू आएगी। इसके जो फ्रेश लीव्स हैं, ये जो होटलिंग है उसमें इस्तेमाल होते हैं। आप इसकी कैफर लाइम लीव्स की रेसिपी को सर्च कर लें तो आपको चाइनीज़, इटालियन, थाई और रशियन सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में रेसिपीज़ मिलेंगी जिसमें कैफर लाइम के फ्रेश लीव्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया गया है। इसकी वुड जो है, लकड़ी जो है, उसमें से भी वही खुशबू आती है, और जो फ्रूट है उसका कोई भी पार्ट यानी छिलका ज़ाया नहीं किया जाता, उसमें से ऑयल निकलता है जो परफ्यूमरी में इस्तेमाल होता है, जिसको एसेंशियल ऑयल कहते हैं, वो परफ्यूमरी में इस्तेमाल होता है। जो जूस है वो नेचुरल एसेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है, और जो ड्राई और फ्रेश लीव्स हैं वो फूड और जो फूड रेसिपीज़ हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। तो दुनिया में ये काफ़ी एक्सपेंसिव माना जाता है। कुछ अर्सा पहले तक ये मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रूट में शामिल था, लेकिन जब से फिर डिकोपॉन और सटसुमा आए हैं तो इसकी थोड़ी सी रिंकिंग प्राइस के हवाले से कम हो गई है, लेकिन अभी भी ये जो सिट्रस के टॉप 10 एक्सपेंसिव हैं उसमें शामिल है। ये थाईलैंड ने बनाया था, थाईलैंड की ये वैरायटी है और उन्हीं ने इसको पेटेंट करवाया था। बहुत यूनिक टेस्ट है इसका, जिन लोगों ने इसको टेस्ट किया है मेरे पास यहाँ पे आके, जिन लोगों ने इसको खाया है वो इसके मुनफरिद टेस्ट से वाकिफ हैं। आप इसके एक फ्रेश फ्रूट को तोड़कर कमरे में रख दें तो आपको किसी भी एयर फ्रेशनर की कमरे में ज़रूरत नहीं रहेगी, बिल्कुल आपका जो रूम है वो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश होगा और बिल्कुल ताज़गी का एहसास होगा। ये थोड़ा सा इस शेप का होता है, ऊपर इसके ये स्पॉट से होते हैं, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा है। इसको थोड़ा सा आप दबाएंगे तो उसमें से ऑयल जो है वो स्किन में से निकलना शुरू हो जाएगा और जूस परसेंटेज इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, जूसी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर इस पे सारा साल फ्रूट रहता है, ये फ्रूट दूसरा फ्रूट है, अभी इस पे फ्लावरिंग जो है नवंबर में इंशाल्लाह दोबारा निकलेगी, तो इस पे फिर जो नवंबर वाला फ्रूट है वो मार्च में अवेल हो जाएगा, जो मार्च वाला है वो जून जुलाई में अवेल होगा, और जो जुलाई में इस पे फ्रूट होता है
वो आपको अक्टूबर नवंबर में अवेल होगा। ये वाला जो फ्रूट है ये जुलाई वाली फ्लावरिंग का है, अभी इंशाल्लाह नवंबर में इस पर दोबारा फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पर सारा साल फ्रूट रहता है, साल का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता जिस वक्त इस पर आपको फ्रूट अवेल ना हो। तो एक नई और मुनफरिद वैरायटी है टेस्ट के हवाले से भी और जो फ्रेग्रेंस है उसके हवाले से भी। दुनिया में कैफर लाइम बहुत मशहूर है और बहुत ज़्यादा डिमांड भी है होटलिंग में इसकी, लेकिन हमारे यहाँ अभी ये बहुत नई वैरायटी है, इसके बारे में लोगों को आगाही नहीं है और लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमारे मुल्क में थोड़ा फुकदान है अवेलेबिलिटी का और नॉलेज का भी। तो एक नई वैरायटी आज आपसे इंट्रोड्यूस करवाई है, अल्लाह ताला आप सबको आसानियां दे और अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजलो करम करे।